कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन अन्य तरह के संकट भी निरंतर खड़े हो रहे हैं। कहीं फ्लड की चुनौती, कहीं लॉकस्ट, बंगाल में जिसको पोंगोपा कहते हैं, पोंगोपा का कहर, कहीं ओलावृष्टि, कहीं असम में ऑयल फील्ड में आग, कहीं लगातार छोटे छोटे अर्थक्वेक की खबरें। ये भी कम ही होता है कि पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र में एक के बाद एक दो साइक्लोन्स चुनौती बनकर के आए। ऐसे तमाम फ्रंट्स पर हम सभी एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। कभी कभी समय भी हमें परखता है, समय भी हमारी कसौटी करता है, परीक्षा लेता है। कई बार अनेक कठिनाइयां, अनेक कसौटियां एक साथ आ जाती है, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कर्तृत्व, हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी लेकर के आता है। किसी कसौटी से हम कैसे निपट रहे हैं, मुश्किलों से कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, ये आने वाले अवसरों को भी तय करता है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यानी हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है, उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही ज्यादा आते हैं और अवसर भी सामने चले आते हैं। साथियों, ये हमारी एकजुटता, ये एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना, ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुसीबत की दवाई, मुसीबत की एक ही दवाई है, मुसीबत की दवाई मजबूती है। मुश्किल समय ने हर बार भारत के डिटर्मिनेशन को अधिक स्ट्रेंथन किया है। एक नेशन के रूप में देशवासियों के रिजॉल्व को ऊर्जा दी है, संकल्प को शक्ति दी है।